तो गाइज यार मैं जो है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं गणदेवी मंदिर का जो है नया वाला द्वार बनाया। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो यार आज जो है मैं लेके चलता हूँ आपको गढ़वा। गढ़वा में जो है मेरे को एटीएम में जाना है, अपना मोबाइल नंबर को चेंज करना है, ओल्ड मोबाइल नंबर टू न्यू मोबाइल नंबर। उसके बाद जो है जाना है स्कूल में। स्कूल में जो है प्रोफेशनल सर्टिफिकेट जो होता है वो 10th क्लास का लेना है यार। 2 साल 3 साल हो चुका है तो वहाँ पे अभी उसको लूंगा। उसके बाद जो है मैं चलूंगा आपको लेके गढ़वा का समाहरणालय में। क्यों भाई? तो वहाँ पे राशन कार्ड जो है मेरा नहीं बना हुआ है, तो राशन कार्ड बनूंगा तभी तो ये राशन मिलेगा। तो चलते हैं अभी यहाँ से निकलते हैं। खैर राहुल जी का फोन भी आ चुका है। तो गाइस यार मैं जो है निकल चुका हूँ। देखिए इस साइड में नहर में जो पानी भी चल रहा है, इस साइड में धान रोपने का कार्य भी चल रहा है, बहुत लोगों का कार्य हो भी गया। तो अभी तो जो है मैं आपको लेके चल ही रहा हूँ। इस साइड में भी आप लोग देखेंगे तो सभी जगह जो है धान रोपने का कार्य हो रहा है और रोड तो काफ़ी ज़्यादा मतलब ख़राब नहीं है, ज़्यादा क्या कह सकते हैं, नारे पानी। ओके चलते हैं आगे। तो गाइज यार पीछे आप लोग देख सकते हैं आर के पब्लिक स्कूल है। खैर राहुल सर यहाँ पे देखिए मेरे साथ आ चुके हैं। खैर इनसे मैं मिला नहीं पाया, लेकिन अभी मैं अपना स्कूल में गया हुआ था। कल जो 15 अगस्त है उसका प्रिपरेशन चल रहा था, वो मैं क्या दिखाऊँ। खैर यार सीसीटीवी में तो प्रोफेशनल सर्टिफिकेट लेने गया तो वहाँ पे मतलब वो बोले कि अब जो है CBSE की तरफ से प्रोफेशनल सर्टिफिकेट नहीं आता है, बंद हो चुका है। तो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, राइट। तो अभी कहाँ चलता हूँ आपको डायरेक्टली लेके। तो गाइज यार अभी जो है मैं एक झंडा परचेज किया हूँ और फिलहाल यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं गणदेवी मंदिर का जो है नया वाला द्वार बनाया जा रहा है। काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, देख रहे हैं ना। अभी जो है मैं एक नया ब्लॉग बनाऊंगा तो आपको जो है गणदेवी मंदिर का पूरा व्यू दिखाऊंगा। तो कैप्चर भी करके दूंगा यार गणदेवी मंदिर का। बाकी राहुल जी देखिए यहाँ पे। ओके यार, तो अभी जो है हम लोग चलते हैं ATM में, मोबाइल नंबर को चेंज करते हैं। तो गाइज यार यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं राहुल सर जो है हर घर झंडा का वो रखने के लिए यहाँ पे ये बड़ा वाला स्टिक ले लिए हैं, जिसमें झंडा लगा के अपना छत पे लहराएंगे, और मैं भी ले लिया हूँ। और फिलहाल जो है चिड़िया मोड़ पे आया हुआ हूँ इसको पीने। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बादाम शेक राहुल जी की तरफ से ऑफर किया गया है, बादाम शेक। तो चलिए पीते हैं, उसके बाद जो है चलते हैं उस साइड में। 15 अगस्त का कार्यक्रम का जो तैयारी किया जा रहा है टाउन हॉल के मैदान में, तो उस साइड में मैं आपको ले कर चलूँगा इसको पीने के बाद। यहाँ देखिए ना बढ़िया से दिखाइए आप भी, बोले चलिए घूरिए उधर घूरिए ना। देख सकते हैं राजमाता अहिल्याबाई होलकर जी का यहाँ पे प्रतिमा लगाया गया है। ये प्रतिमा कहाँ है यार, चिनिया मोड़ आपको दिखाई दे रहा है, चिनिया मोड़ के ठीक सामने, मतलब यहाँ पे राधा रसोई के ठीक सामने यहाँ पे लगाया गया है। और इनके द्वारा ही जो है काशी विश्वनाथ मंदिर का स्थापना भी किया गया था। यहाँ पे देखिए उसके बारे में डिटेल भी लिखा गया है, तो कुछ इस प्रकार से इसके बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन देखने मिल जाता है। बाकी इस साइड में जो है टाउन हॉल में वो कार्यक्रम का तैयारी किया जा रहा है कल का 15 अगस्त का। चलिए अभी मैं वहाँ पे लेके चलता हूँ। राहुल जी जो झंडोत्तोलन के लिए ले लिए हैं डंडा, तो काफ़ी मतलब राहुल सर मतलब प्राउड फील करते हैं अपने कंट्री को लेकर, इसीलिए ले लिए हैं। और मैं भी जो है प्राउड फील करता हूँ, इसीलिए मैं राहुल जी के साथ हूँ। और इस झंडा को बारे में मतलब क्या बताऊँ यार। चलिए चलते हैं अभी टाउन हॉल के मैदान का थोड़ा व्यू दिखाता हूँ, वैसे मैं कल आपको पूरा दिखाऊँगा। साफ सफाई किया जा रहा है और उस साइड में भी देखिए यार अलग अलग प्रकार का मशीन लगा के डिजाइन तैयार किया जा रहा है। और अभी डिजाइन में आपको दिखाता हूँ, उससे पहले एक झलक जो है ये वाला वो नीलांबर पीताम्बर वाला जो बना हुआ है इसको दिखाता हूँ। भवन को देखिए, यहाँ पे भवन कुछ इस प्रकार से देखने मिलता है, जो कि यार काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रोफेशनल लग रहा है, देख रहे हैं ना। पहले यार झंडोत्तोलन यहीं पर किया जा रहा था, लेकिन कुछ कारणवश यहाँ पर अभी नहीं किया जाएगा, वो कारण आपको सामने दिखाई दे रहा है। और हाँ, इस साइड में आप लोग आएंगे तो भैया जी जो ट्रैक्टर लेके पूरा एकदम मैंने इसको बनाने का कार्य कर रहे हैं, देख रहे हैं ना, एकदम पूरा अच्छी प्रकार से बनाया जा रहा है। ये तो ठीक है भाई, इधर आप लोग देखेंगे तो 3 रंग का तिरंगा वाला वो लगा दिया गया, जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत एंड काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल लग रहा है। और यहाँ पर आप लोग देखिए काफ़ी मतलब यार अलग लेवल से जो है जुगाड़ बनाया गया है, एंड ऊपर आप लोग देख रहे हैं ना काफ़ी जो है तगड़ा तरीका से बनाया जा रहा है। तो एक जो है काफ़ी अच्छा प्रकार का जो है माहौल यहाँ पे कल बनने वाला है। खैर कल जो है पूरा का पूरा जो है ब्लॉग मैं दूंगा इस टाउन हॉल में, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है यार। पुलिस लाइन में भी काफ़ी अच्छी प्रकार से किया जाता है, लेकिन यहाँ पे और भी अच्छा प्रोफेशनली किया जाता है। तो गाइस फाइनली जो है पहुँच चुके हैं, देखिए राहुल जी का आज DL मिलने वाला है। तो राहुल जी बहुत ही मतलब तेज़ी से अपना गाड़ी चलाएंगे, जिस प्रकार चलाने का इनका मन करेगा उस प्रकार चलाएंगे, और अभी खुश होंगे। अभी दिखाता हूँ, देखिएगा मुड़ाऊंगा कैमरा तो हंसते हुए नजर आएंगे। क्या आपको हंसते हुए नजर आ रहे हैं? मुझे तो नहीं पता, क्योंकि मेरे को दिख नहीं रहा है, मुझे आवाज़ से पता चला कि हंस रहे हैं, तो मतलब आज इनको जो है मिलने वाला है। चलिए चलते हैं आगे। आइए सर। तो गाइस राहुल जी का लाइसेंस तो आया नहीं था, तो इनको मिला नहीं, तो क्या कर सकते हैं। अभी जो है वो वाला विभाग देख रहे हैं, राशन कार्ड वाला विभाग तो इसमें नज़र ही नहीं आ रहा है, देखते हैं। तो गाइस यार वो वाला विभाग के बारे में हम लोग पता कर लिए हैं। राहुल जी आपको लेके चल रहे हैं दूसरा फ्लोर आप गलत चिप दिए हैं, हमको लग रहा है पहला फ्लोर आपको चिपना चाहिए। बी ब्लॉक पहला फ्लोर ना जी, नीचे ए हो गया, ऊपर बी हो गया, फिर ए है, फिर बी है, फिर सी है। अच्छा ऐसे है, ओ
तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं, लेट्स गो। प्रैंक यहाँ पे नहीं हो रहा है, प्रैंक वाला रील हम लोग नहीं बना रहे हैं, चलिए चलते हैं। खुल जा सिम सिम। तो गाइस यार जिला आपूर्ति कार्यालय में आपको जाना है और आपको जो है राशन नंबर ले लेना है। राहुल सर देखिए पीछे बहुत ज़्यादा खुश नजर आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? क्योंकि मेरा काम हो गया, मेरा राशन कार्ड जो है ऑलरेडी बन चुका है, तो मैं वहाँ से जो है राशन नंबर जो है ले लिया। अब जो है प्रज्ञा केंद्र में जाके मैं जो अपना राशन कार्ड निकलवाऊंगा, काम भर जो है राशन लूंगा, जितना राशन बकाया होगा वो सारा राशन जो है कलेक्ट कर लेना है। और इधर आप लोग देखेंगे तो 12,000 रुपया वाला वो यहाँ पे लगा दिया गया है, तो 2 महीना 3 महीना इलेक्शन का बचा हुआ, तो पता नहीं ये क्यों निकाला गया योजना, मुझे तो कुछ पता नहीं चल रहा है। खैर यही वाला योजना अगर 4 साल पहले निकाला गया होता तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा खुशी होता, काफ़ी ज़्यादा बेहद खुशी होता। तो आई डोंट नो कि हेमंत सरकार जो है क्यों निकाले अभी, तो मुझे खुद पता नहीं, लेकिन पता चलेगा तो जरूर मैं आपको बताऊंगा कमेंट सेक्शन में। जो है मैं एक प्लांट को चेक करने वाला हूं, ये जो फ्लावर आपको देखने मिल रहा है, मतलब जितना भी प्लांट यहां पे आपको देखने मिल रहा है काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो राहुल सर बोले कि इसको सूखने के बाद जो है काफी मतलब खूबसूरत वाला वो आता है, तो काफी ज्यादा मजा आया। सही बोले थे राहुल सर, देखिए हंस रहे क्योंकि उनका जो मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, राहुल सर क्या बोलते हैं जब लोग मतलब वो करते हैं भविष्यवाणी, तो राहुल सर का भविष्यवाणी सत्य हुआ। तो गाइज यार अभी जो है पुलिस लाइन में हूँ और यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी जो 15 अगस्त का तैयारी यहाँ पे किया जा रहा है, देख सकते हैं झंडा वगैरह लगा दिया गया है चारों ओर, देखिए अलग अलग प्रकार का झंडा, तो काफ़ी यार अच्छा माहौल यहाँ पे भी बनने वाला है, तो यहाँ पे भी आ सकते हैं। थैंक फॉर विजिट अगेन, तो फिर से विजिट कीजिए यहाँ पे। तो गाइज यार अभी जो है हम लोग कहाँ पे हैं बताइए राहुल सर? पुलिस लाइन के बगौरला जो नदी है वो नदी के पास, देखिए यहाँ पे पानी गिर रहा है, कैसे पानी जा रहा है जी? हाँ करते हुए पानी जा रहा है। तो आइए मैं जो पास दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं, तो काफी जो है तगड़ा माहौल ये नदी बना रही है, क्या मैं इसमें जाऊँ क्या नहीं जाऊँ? तो कुछ इस प्रकार से इसका वो दिखने मिलता है, आइए मैं इधर से दिखाता हूँ। हाँ पानी जा रहा है, पुल जो टूट गया है यार। तो पीछे आप लोग देख सकते हैं यार, मतलब अलग ही लेवल का ये माहौल बनाया हुआ है नदी। तो अभी जो है चलते हैं, इस ब्लॉग में यार इतना ही था, मिलेंगे आपसे कल जो है 15 अगस्त के दिन। तो राहुल जी आप बताइए कि ये जो नदी बह रही है तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कहना कुछ नहीं, जाके कोई नदी में मिल जाएगा आपका, बस यही मतलब आप कहना चाह रहे हैं, मतलब और कुछ बताना चाह रहे हैं इसके बारे में? कुछ एक आध दो शब्द बताइए। ये हमारा घर से आता है और कुछ और का ज्यादा जानकारी नहीं है इसका, दानरू नदी डांडू बोलते हैं सब। अच्छा और कुछ बताइए? और कुछ नहीं पता है। तो राहुल सर का कहना है कि ये जो है नदी मतलब जाके वो नदी भी मिल जाएगी, और ये नदी जो है बेसिकली राहुल जी के घर तरफ से आता है और डांडू नदी इसको कहते हैं। तो यही था बस और क्या, राइट? तो गाइस यार यहाँ पे देखिए राहुल जी काम करवा रहे हैं, आने वाला समय में जो है इसको याद किया जाएगा, ये वीडियो देख के लोग जो है मतलब इसका वाइब लेंगे। लगमा कुछ इस प्रकार से था 2024 में, और ये वीडियो आपको अब दिख रही है तो मुझे नहीं पता, लगमा स्कूल आपको दिखाई दे रहा है, इससे आगे भी और ज़्यादा स्कूल था। तो ये राहुल सर का आइडिया था कि इसको आप डाल दीजिए, आने वाला लोग मतलब देखेंगे, भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे ये दुनिया में। तो ओके।